नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल समेत उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अटैक बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक सप्ताह में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धुंध पड़ेगी। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी, इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पहाड़ों पर ताजा हिमपात के बाद उत्तर भारत में धुंध छाने से विजिबिलिटी कम होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत से ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे सुबह व शाम के वक्त ठंड से बचने के लिए लोगों को आग जलाने की नौबत आएगी। हिमाचल के मनाली, नारकंडा, शिकरी देवी व बिजली महादेव के बीते 24 घंटे के दौरान इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में विंटर सीजन की पहली बारिश हुई है। इधर उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में भी ताजा हिमपात हुआ है। नवम्बर के पहले पखवाड़े में ही पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हिमाचल के कई शहरों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर गया है। उस शहरों का पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। सर्दी बढ़ने व पेयजल पाइपों में जमने से पहाड़ों पर अभी से दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। पहाड़ों के बाद इसका इंपैक्ट पड़ोसी राज्यों पर देखने को लगेगा। सीजन की पहली बर्फबारी होने से सैलानियों और पर्यटनों कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग को बीते 2.5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अर्ली स्नोफॉल ने इस बार पर्यटन उद्योग के लिए अच्छे कारोबार की आस लगा दी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना।